नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत कोठियाल। विश्वकर्मा पूजा आज देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। रुड़की के राजकीय सिंचाई उद्योग शाला में सुबह से ही पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थी। कार्यशाला के तमाम टेक्नीशियन इंजीनियर समेत स्टाफ सुबह से ही मशीनों की पूजा अर्चना में लग गए। चीफ इंजीनियर एनके यादव ने समस्त स्टाफ के साथ विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया। गुजरात से आए मशीनों के टेक्नीशियन और इंजीनियर द्वारा मशीनों की जाँच भी कराई गई। क्या नाम है? रफीक अहमद। रफीक जी कहाँ से आए हैं? हम बड़ौदा से आए। बड़ौदा गुजरात से। तो आज मशीन के लिए आए हैं आप? हाँ, मशीन मेंटेनेंस के लिए आए। अच्छा, तो इसमें कितना टाइम लग जाता है मेंटेनेंस में? मेंटेनेंस में जैसा जैसा काम होता है ऐसा, समझो को पंप नहीं चलता है, वो नहीं चलता, कुछ भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये रेक्टिफाई करते 10-12 दिन। कितने की मशीन होगी जो यहाँ पर लगेगी? ये करीब 3-4 करोड़ की तो होगी सर। मशीन 3-4 करोड़। तो ये आप ही आते हैं यहाँ पर वर्कशॉप के अंदर ठीक करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसे तो दूसरे भी है सब। मैं तो ये कंपनी में सर्विस करता था, 34 ईयर्स हो गए, रिटायर हो गया तब मेरा खुद का। एनके यादव ने विश्वकर्मा पूजा का महत्व बताया और कहा कि विश्वकर्मा को देव शिल्पी यानी कि देवताओं के वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के लिए महलों, हथियारों और भवनों का निर्माण किया था। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ज्यादातर दफ्तरों में छुट्टी होती है और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस दौरान औजारों, मशीनों और दुकानों की पूजा करने का विधान है। अपनी शिल्प कला के लिए मशहूर भगवान विश्वकर्मा सभी देवताओं में आदरणीय है। विश्वकर्मा दिवस घरों के अलावा दफ्तरों और कारखानों में विशेष रूप से मनाया जाता है। जो लोग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, चित्रकारी, वेल्डिंग और मशीनों के काम से जुड़े हुए हैं, वे खास तौर पर इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। सर, जैसे कि आज विश्वकर्मा पूजा देश भर में मनाई जा रही है, इसका महत्व क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये भगवान विश्वकर्मा का जो है पूजा है, ये पूरे ब्रह्मांड में जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसी तरह से सृष्टि में जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, एक तरह से ये मान सकते हैं भगवान विश्वकर्मा को इंजीनियरिंग की विधा के जन्मदाता हैं। यानी जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी ब्रिजेज हैं, जितने भी रोड्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, आपने महाभारत काल में सुना होगा, जब महाभारत हस्तिनापुर का ये बंटवारा हुआ था, तो पांडवों को इंद्रप्रस्थ का, उसको खांडवप्रस्थ उसका नाम था। तो वो जो आज आधुनिक दिल्ली जहाँ पर है हमारा, जहाँ हमारा राष्ट्रपति भवन है हमारा, आपने आसपास में देखा होगा आज भी वहाँ पर किक्कड़ पत्थर और पूरा इसी तरह का था। और थोड़ा सा और गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे, पूरा जो रेंज है पूरा इसी तरह की अरावली जो पहाड़ है, कंक्रीट का पूरा जंगल विस्तर है। तो जब भगवान विश्वकर्मा को ये ड्यूटी सौंपी गई थी, क्योंकि वो भी चाहते थे, सभी देव लोग चाहते कि हमारे जो युधिष्ठिर के हमारे जो है राजधानी बड़ी बढ़िया से बने, तो उन्होंने ही इसकी रचयिता की थी और उन्होंने ही इसको निर्माण किया था। तभी से ये आधुनिक काल से हमारा चला आ रहा, परंपरा चली आ रही है कि भगवान विश्वकर्मा को जितने भी मशीनरी हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आज के दिन हम उसकी सबकी पूजा करते हैं, कोशिश करते हैं उनको सबको अच्छे से रखा जाए, जिससे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का भी है और अच्छा करने की प्रेरणा भी है। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा ने सबको जो है ये करने की ये प्रेरणा दी कि भाई आप अच्छा एक ऐसा करें कि एस्थेटिक व्यू आए, औजारों के साथ लगा हुआ आदमी जुड़े उससे, और जुड़ेगा आदमी तो उससे जो है एक नई उसके एक स्पिरिट जुड़ेगी, कहना कि स्पिरिचुअल हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाएगा, तो उसको अपना मन अपना मान करके वो आगे बढ़ेगा, उसको जो करेगा इस तरह। तो यहाँ पर कितने लोगों ने इस तरह का? आज करीब 80 से 100 लोग थे जिन्होंने आज यहाँ विश्वकर्मा पूजा में भाग लिया। कितने सालों से की जा रही है यहाँ पर पूजा? ये तो विश्वकर्मा पूजा है यहाँ पर, मैं तो कहूँगा 1843 जब से स्थापना हुई है, जो इतिहास है हमारा, तब से ही चली आ रही है, आदिकाल से चली आ रही है, और उससे भी पहले चली। हाँ हाँ, कोटले साहब ने जब ये शुरू किया था, ऐसा होता है अंग्रेज लोग पहले कभी नहीं इसको मानते थे, लेकिन क्या था, जब हमारे पौराणिक या हमारे प्राचीन लोग जब मिलते हैं तो कहीं पर माली व्यवधान आता है। आपने देखा होगा जब ये हमारा डाट का मंदिर है, मंदिर कैसे आया, जब ये बनने जब इसका निर्माण हो रहा है उसमें लिखा हुआ है तो ढांग गिर गई थी, ढांग गिरी थी तो कैजुअलिटीज हो गए थे, तो फिर लोगों ने वहाँ पर पूजा की एक छोटा सा लगा करके, एक आस्था का प्रतीक हो गया। ऐसे आपको मैं बताऊँ, वहाँ पर एक कालू वाला है डोईवाला ब्लॉक में, तो वहाँ पर एक मजार, अब वो उसकी मतलब कैसी चली आ रही है, तो जब वहाँ पर चढ़ाते हैं कुछ करके और फिर काम शुरू करने किया 12 में, हाँ हाँ, मतलब ये नहीं है कि मतलब सब हिंदू, मतलब हर एक तो यहाँ तो सभी धर्म के लोग हैं और सभी मानते चलते इक्वल उसका है। तो कालू वाला के मजार पे मैं चूँकि वहाँ रहा हूँ 93 में, तो हम लोग जब जाते थे तो वहाँ पर मजार पे हम लोग फूल चढ़ा करके, और जब हमने 12 की शुरुआत की तो हमारा सफलता हाथ लगी, मतलब ये मानता थी और हमने
देखा हमारा काम भी बन गया तो एक आस्था उस हिसाब से डेवलप होती चली जाती है। ऐसी हमारी एक यहाँ पर मजार है हमारी अपनी कार्यशाला के छल्ले साह की, हमारे इसी कार्यशाला की है और वो आज से नहीं है, मतलब उसको अंग्रेजों के टाइम से है छल्ले साह, और हर साल हम मनाते हैं उसको, हर साल हम चादर चढ़ाते हैं। और अभी हमने बिल्कुल यही है हमारे पीछे, इसी के पीछे अभी हमने उसको रेनोवेशन कराया, उसमें हमने जाली वाली लगवाई, साफ सुथरा कराया हमने उसको छल्ले वाले साह की मजार पर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया से। और हम लोग हर साल धूमधाम से, पूरा स्टाफ शामिल होता है हमारा, मेला लगता है उसमें जो है पूरा बड़े हमारे जो है, और सब क्वालिटी एकदम बिल्कुल 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 माना जाता है कि इसलिए इसमें कोई, हाँ बिल्कुल। अच्छा ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है पूजा भैया, कि हर आदमी मशीनों के साथ, ये युग है यहाँ से लेके चंद्रयान मंगलयान और शनि तक अब सब हमारी जो है जा रहे हैं, अपग्रेड हो रहा है, तो हम लोगों को अपने इक्विपमेंट्स को भी अपग्रेड करना होगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमने जो वही नारा हमारा है कि श्रम के बिना, मेहनत के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, तो सब लोगों को हम यही प्रोत्साहित करते हैं कि भाई लोग मेहनत करें, कार्य संस्कृति को डेवलप करें, ताकि जो ये नाम हमारा, जो नाम हम धरोहर कहते हैं, तो ये धरोहर इसलिए तो होती है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हमें दे गए, इसको हम संरक्षित करें, कैरी फॉरवर्ड करें। और अभी हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे गांधी जयंती की सेंटेनरी, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो कि में कि सारे हमारे इंजीनियर्स आते हैं, मतलब ITI से लेकर के डिप्लोमा होल्डर से लेकर के डिग्री होल्डर सब, वो एक ऐसी हमारी पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी संस्था है, उसको 100 वर्ष होने जा रहे हैं, 1920 में उसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में, और हर साल पूरे हिंदुस्तान में इसका जो हर स्टेट में चैप्टर है, लोकल IIT में है, तो उस दिन IIT और CBRI के सब साइंटिस्ट आएंगे, 100 साल पूरे होने हैं, तो उसको हम लोग यहीं मनाएंगे, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, उनको अपनी वर्कशॉप भी दिखाएंगे, उनको अपना तहखाना भी दिखाएंगे कि 1857 में क्या अंग्रेजों को क्या पड़ी थी कि तहखाना बनाना, क्या उन्हें पता था कि 1836 में जब ये DPR बनी थी कि वहाँ पर कभी गदर भी हो सकता है, नहीं, लेकिन उनकी एक सोच थी कि सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए, जरूरी है दरवाजा घर के ऊपर, तो घर के ऊपर, तो वो उन्होंने इस तरह तहखाना, उसका उपयोग भी हुआ, भंडार के रूप में हुआ, नीचे भंडार हुआ, मतलब टनल्स इसलिए बनाई गई कि उसमें साइड में पानी भर दिया गया, जैसे महलों में जो किले होते थे आप देखेंगे, किले के चारों तरफ खाई हुआ करती थी कि जिसमें उसमें पानी भर दिया करते थे, वो इसलिए थे कि सुरक्षा के हिसाब से बाहरी कोई आक्रमण करे तो, हाँ, और ये कूल भी रहती है गर्मी में, मतलब उससे ठंडक भी, महल ठंडा रहता है तो नेचुरल AC का भी काम करता है, तो ये है। तो आज का तो हमारा उद्देश्य यही था कि आज इसलिए काम, वैसे आज हम लोग जनरली कार बंद रखते हैं क्योंकि पूजा करने के बाद आपको पता है कि उसको दोबारा छिड़खानी नहीं करते, लेकिन ये हमारी बैकबोन है, एक्चुअली हमारी रोलिंग मशीन है, और इसी से हम 82 पेन स्टॉक का जो है 120 मेगावाट का जो हमारी एक परियोजना चल रही है उसमें हमारा 200 मीटर का सीधी को गोल करती है, हाँ रोलिंग करती है, तो ये रोल करके पूरा तैयार हो गया, तो ये कुछ पहुंच गए हैं, और ये 200-400 मीटर है हमारे पास, तो उसमें से कुछ प्लेट्स रह गई हैं, तो मशीन में थोड़ी ख़राबी आ गई है, और हमारे गुजरात से वहाँ से सब लोग आए हैं, ये मेहनत करके इसको रिपेयर कर रहे हैं, कंट्रोल पैनल हमारा नया इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो आज पूजा करने के बाद में जो बाहर, हाँ जो काम है वो करा रहे हैं, आज करा रहे हैं। ये थे हमारे साथ एनके यादव, चीफ इंजीनियर राजकीय सिंचाई उद्योगशाला रुड़की। जैसे कि बताया उन्होंने कि जो आज का दिन है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है, और भारतवर्ष के अंदर जगह जगह इस तरह का जो कार्य विश्वकर्मा पूजा की जाती है, खासकर बात की जाए मशीनों की या टेक्नोलॉजी की, तो कहीं ना कहीं उसकी जन्मदाता है आज के दिन के लिए। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया में, हर्ष हसीन कैमरामैन शाहुल के साथ, धन्यवाद। रुड़की से हर्ष हसीन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।